नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे सारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप पहले पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की। पूर्णराम। कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से एजी के वेणुगोपाल ने कहा, आधार के तहत उंगलियों के निशान सहित बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा का संग्रह किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। पूर्णराम। सुनवाई के दौरान शुरुआत में एजी ने आधार योजना का इस आधार पर बचाव किया कि इसका उद्देश्य समाज के हाशिए वाले वर्गों को लाभ पहुंचाना है। पूर्णराम। नेक्स्ट पैरा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, UIDAI के पास से अधिकार है कि वो ये तय करे कि क्या बायोमेट्रिक लेना है और किस तरीके से इसे इकट्ठा करना है। पूर्णराम। कल को ये भी हो सकता है कि कहा जाए कि DNA टेस्ट के लिए खून का नमूना देना होगा। पूर्णराम। क्या ये शक्ति का अत्यधिक अधिकार नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। निजता के अधिकार का हनन नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट पैरा। इस पर एजी ने कहा, हम कल के बारे में नहीं जानते। पूर्णराम। यह संभव है कि खून मूत्र या लार के नमूने एकत्र किए जाएं। पूर्णराम। ऐसा होता है तो कई गैर डैश सरकारी संगठन हैं जो इस मुद्दे को चुनौती देंगे। पूर्णराम। यदि किसी भी प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा हो और अगर कानून राष्ट्रीय हित में है तो अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। पूर्णराम। उन्होंने कहा कि आधार लाखों निवासियों के लिए अनुकूल है। पूर्णराम। इससे भोजन आजीविका और पेंशन के अधिकार प्राप्त हुए। पूर्णराम। कई देशों ने पहचान की समान प्रणाली अपनाई है। पूर्णराम। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने इसकी लोगों के सशक्तिकरण के साधन
के रूप में प्रशंसा की है। पूर्णग्राम एजी ने पूरे विश्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि उंगलियों के निशान का संग्रह निजता के अधिकार पर आक्रमण नहीं होगा। पूर्णराम आधार पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह समाज के हाशिए वाले वर्गों और समग्रता को बढ़ावा देने के लाभों तक पहुंचने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पूर्णराम मामले की सुनवाई गुरुवार को जारी रहेगी। पूर्णराम नेक्स्ट पैरा केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में आधार कानून को न्यायोचित ठहराया और कहा कि यह एक इनवाइटेड कॉमा शुरू निष्पक्ष एवं तार्किक कानून इनवाइटेड कॉमा बंद है जो निजता के अधिकार पर ऐतिहासिक फैसले के मानकों का पालन करता है। पूर्णग्राम 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने पिछले साल 24 अगस्त को निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का मूलभूत हिस्सा करार दिया था। पूर्णराम नेक्स्ट पैरा केंद्र ने फैसले के संदर्भ में कहा कि तार्किक प्रतिबंध कौमा जो जीवन के अधिकार पर लागू हैं कौमा वे निजता के अधिकार पर भी लागू होंगे। पूर्णराम इसने आधार योजना की वैधता को देख रही प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ से कहा कि निजता के अधिकार संबंधी फैसले में प्रावधान है कि राज्य ऐसी स्थिति में कुछ खास सूचना मांग सकता है जब कोई कानून हो कौमा राज्य का कोई वैध हित हो और नागरिक की निजता को परखने की कोई ठोस वजह हो कौमा आधार कानून न्यायोचित कौमा निष्पक्ष और तार्किक कानून है। पूर्णराम स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों डिक्टेशन की प्रैक्टिस बार बार करते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। धन्यवाद दोस्तों।